मैंने छुपे हुए सबके सामान कोर्ट से बहुत ही ज्यादा दूर होने चाहिए, कोर्ट के आसपास किसी का सामान नहीं होने चाहिए, याद रखो ठीक है। अगर आपके सामान कहीं भी कोर्ट के आसपास रखे हुए या आपके लिए आखिरी वार्निंग दी जाती है, आप अपने सामान को ले जाकर घर रख सकते हो। यार रख क्या जगह आप लोग यार, ये अपोजिशन वाले मेरे पास सिर्फ खाली मीट मुर्गा है, मुझे भी दे दे यार। अरे अरे ये लो ये लो ये लो खा लो, ये क्या है, आप आपको ये भी नसीब नहीं होने वाला, ये क्या खा लो। अरे तोड़ो मत भाई, ले जाते रहे वापस। गया तुम्हारे भी सामान, गए भाई धर लिए तुम्हारे सामान, अभी गए तुम्हारे वापस दो भाई, धर लिए भाई, कौन रखने बोला था यहाँ पे, ये सामान किसका है, मुझे नहीं पता, सामान धर लिए तुम्हारे, अभी अभी तुम्हारे सामान धर लिए गए भाई, इनका सामान वापस नहीं मिलना चाहिए, अभी तुम्हारे सामान धर लिए गए। जज को ये देखो, अजीब जज है, ओ माय गॉड, ये देखो अजीब जज, टीएनटी वगैरह सारे लेकर आए हो, शर्म आ रही है, हैं वो सब ठीक है, ईशान भाई बोल रहे अजीब जज है। नहीं नहीं आप एक बात बोलो, शर्म आ रही है, इतने सामान लेकर आए हो, हैं कोर्ट के अंदर बॉम्ब लेकर आए, चपाती भाई मतलब लॉयर हो यार, समझाओ ना, हैं कोर्ट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर, शर्म आ रही है चीजें लेकर आए हो, हैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे क्लाइंट्स की, शर्म आई है तुम लोग ये चीजें लेकर आए हो, अनदेखा, ये देखो अनदेखा हो रही है इधर, ओए ओए ओए, ये आर्मर कहां से लेकर आ गया, ये आर्मर आर्मर कहां से लेकर आ गया, आर्मर कहां से लेकर आ गया, आर्मर कहां से आ गया, चलो आर्मर रखो, ओए एक सेकंड एक सेकंड, फ्लीट फ्लीट, अरे भाई कैक्टस इधर, कैक्टस इधर, चलो कैक्टस लौटा दिया जाए जल्दी। मिस्टर जज मेरी बात सुन, आपने बोला कि इसके आसपास हमने सामान रख दिया था अपना इज्जत से, ठीक है, घर पे रख के आने बोला था, घर पे रख के आने बोला था, छुपाने नहीं बोला था, वहाँ पे चेस्ट छुपाया क्यों, पहली बात वहाँ पे चेस्ट छुपाया क्यों, पहली बात कब बोला घर में रखने, ठीक है ठीक है, ये हमारे ये हमारे नोट्स में, ठीक है कोई बात नहीं, अजीब भाई कोई बात नहीं, ये हमारे नोट्स में लिख लिया जाएगा, फ्लीट टेंशन मत लो, ये हमारे नोट्स में लिख लिया जाएगा, हमारे जज को, ठीक है ठीक है, ये चीज ये जो भी चीजें आपने भी बोली गई है, ये चीजें हमारे नोट्स में लिख ली जाएगी फॉर द हियरिंग। भाई पूरा नेदरराइट का आर्मर चेस्ट डब्बे छुपा के रखे जा रहे हैं हमारे सामने हैं। अरे जज साहब देखिए, मुझे पता है कि अदालत की तोहिन हो रही है, लेकिन मैं एक बार फिर से माफी चाहता हूं अपने क्लाइंट्स ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट्स, पर तुम्हारे क्लाइंट्स के सामान गए, पर तुम्हारे क्लाइंट सामान वापस नहीं मिलने वाले, कोई बात नहीं, बात मुझे माय क्लाइंट टेंशन नॉट, कोर्ट के बाद आपको सारी चीजें जो है सही सलामत मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएगी नहीं मिलेगी सही सलामत नहीं मिलेगी। भाई सामान छुपाए जा रहे यार, यहाँ पर बातें चल रही है कि चीजें लेकर नहीं आना है, तो सामान समझाने पड़ेंगे कि भाई सब क्या सीन है, मतलब कोर्ट का आप क्या कर, देखो सामान लेकर नहीं आ सकते, ठीक है चलो। अभी बाय द वे मुझे अभी सिर्फ एक ही पार्टी का अभी तक मुझे मिला है, बाकी दूसरे पार्टी का मुझे अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, दूसरे पार्टी का लॉयर कौन है कौन क्या है मुझे नहीं पता, अपन इंटेलिजेंट बंदे हैं, एक पार्टी का हो चुका है, दूसरे पार्टी का अभी तक कुछ नहीं, मैं सोता हूं अंदर, क्या है यार इसको, कौन है ये, ऊपर से आके मार रहा है, चलो और ही कहना चाहते हैं, वो पता क्या था कि हमारी गलती, हमने ध्यान नहीं दिया था जो रूल्स आपने देते, हमने पढ़े नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब तो भाई आप लोग वो कर रहे हैं लाइक पानी अपना जो तक गलती मान, एक बार कबाड़ा कर दिया, देखो मैं हां देखो देखो सुनो 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 टीम का लॉयर बोल रहा है, सुनो सुनो, आपने गलती मान ली बहुत अच्छी बात है, और आपकी गलती को माफ भी कर दी गई है, अच्छी बात है, पर आपके सामान वापस नहीं दिए जाएंगे, चलो गलती मांग गलती मान ली, आपकी गलती माफ कर दी गई है, परंतु आपके साथ जो आपके दूसरे मित्र है उन्होंने हमारे कैक्टस भी तोड़ दिए और साथ साथ हम पे वार भी किया है, पर ये चीज हम हमारे नोट्स में लिखी जाएगी, ये विचार हमारे नोट्स में लिखी जाएगी, कोर्ट की हियरिंग से पहले लिखना, फिर बंदा जब अपना सामान घर छोड़ने जा रहा था तब उसको लेके, यार तुम लोगों ने मेरे को हायर किया क्या, लेके आने किसने बोला था यहाँ तक, लेकर आने किसने बोला यहाँ तक, यहाँ तक लेकर आना ही नहीं था, चीजें यहाँ तक लेकर आने ही नहीं है, ठीक है, गलती में कुछ मुंह से बाहर आ गया ना, कुछ जज के सामने तो लेने के देने पड़ जाएंगे सारे सारे भाई, मैं बात करो फिर इनसे यार, एक सेकंड गाइस देखो ऑनेस्टली कोर्ट का रूल है सामान यहाँ पर लेके नहीं आना है, फ्लीट के पास अभी भी फुल नेदरराइट आर्मर था, उसका आर्मर खा रखा है उसने, भाई मैंने सामान ही इसलिए निकाला था कि मैं घर छोड़ के आऊं उसको वापस, हां कोई बात नहीं, सबने वहां पे ठीक है, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं गाइस, सेक्शन जेल में डाल दो प्लीज यार, जेल में डाल दो, अरे यार ये एक बार देख रहे हो भाई साहब, चलो ठीक है चलो।